नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M35 5G versus Realme P1 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M35 में 6.39 इंच जबकि P1 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M35 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M35 में 3.09 इंच जबकि P1 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M35 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M35 में 0.36 इंच जबकि P1 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M35 में 222 ग्राम जबकि P1 Pro 5G में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M35 में सुपर AMOLED जबकि P1 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy M35 में 19:5:9 जबकि P1 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M35 में 6.6 इंचेस जबकि P1 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M35 में 1080x2340px FHD+ और P1 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M35 में 83.64% जबकि P1 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M35 में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P1 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M35 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और P1 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M35 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 Pro 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M35 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और P1 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M35 में Mali G68 MP5 जबकि P1 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M35 में Samsung Exynos 1380 और P1 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M35 में 6GB जबकि P1 Pro 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M35 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि P1 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M35 में अप टू 1TB जबकि P1 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M35 में 6000 mAh जबकि P1 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी M35 में 3 कलर्स जबकि P1 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M35 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें P1 Pro 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M35 5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Realme P1 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M35 आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 Plus 5G है, तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।